हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। Exercise 4.7, question number 8. If A and B are two matrices of order 2/3, then हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट वन A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज, सेकेंड वन 5A ट्रांसपोज माइनस 5B ट्रांसपोज। ओके, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स तो हमें गिवन है। Therefore, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो दो रो है वो दो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दैट इज 7 3 0। फर्स्ट रो में तो हम इसे फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 7 3 0, एंड जो सेकंड रो में उसे हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे 0 4 -2। ठीक है, तो ये हो गया A ट्रांसपोज। अब हम सेम B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट रो है उसे हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0 -2 3 0 -2 3, एंड सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे दैट इज 2 1 -4। ओके, अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट वन A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। ओके, सो A ट्रांसपोज इज 7 3 0 0 4 -2 प्लस 4 इंटू B ट्रांसपोज दैट इज 0 2 -2 1 3 -4। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, इसे हम एज इट इज लिखेंगे पहले 7 0 3 4 0 -2 प्लस, अब यहाँ पे क्या 4 से हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? हर एक एलिमेंट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, सो दैट इज 4 0 0 4 2 8 4 × -2 -8 4 1 4 4 3 12 4 × -4 दैट इज -16। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 + 0 दैट इज 7, 0 + 8 दैट इज 8, 3 ± 8। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज 3 − 8 -5, 0 + 12 12, 4 + 4 8, -2 ± 16। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 − 16 दैट इज -18। ओके, सो ये जो है ये हमें मिल गया है A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। ओके, देन अब हम सेकंड फाइंड करेंगे। नाउ सेकंड वन दैट इज 5A ट्रांसपोज माइनस 5B ट्रांसपोज। ओके, तो 5 × A ट्रांसपोज इज 7 3 0 0 4 -2 माइनस 5B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज इज 0 -2 3 2 1 -4। ओके, दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिसेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स 5 5 7 35, 5 × 0 0, 5 3 15, 5 4 20, 5 0 0, 5 × -2 दैट इज -10। ओके, माइनस सेकंड मैट्रिक्स, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 2 10, 5 × -2 -10, 5 1 5, 5 3 15, एंड 5 × -4 -20। ओके, दैट इज इक्वल टू, क्या करना है, आप हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 35 - 0, 35, 15 -10, अब ये -- +10 हो जाएगा। सो 15 + 10, 25, 0 - 15 दैट इज -15, 0 - 10 -10, 20 - 5 सो 15, -10 -20, अब ये -- +20 हो जाएगा, -10 + 20 दैट इज ओनली 10। ओके, So which is our required answer. Then next question. Question number 9. If A, B, C are three matrices of order 2 by 3, then verify that A plus twice B plus twice C whole transpose is equal to A transpose plus 2 B transpose plus C into 3 into C transpose. इसे हमें प्रूफ करना है. ओके सो सॉल्यूशन. तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये वैल्यू फाइंड करेंगे. हम बताएंगे कि दोनों भी क्या है, इक्वल है करके. ओके सो यहाँ पे गिवन है ए प्लस 2b प्लस 2c. ओके सो दैट इज इक्वल टू, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन उसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे. अब ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स 2 1 -4 3 5 -2 प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू सी मैट्रिक्स 0 2 3 -1 -1 0. दैट इज इक्वल टू, सो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 1 0 1 3 1 2 प्लस अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को. सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू -2 -4 प्लस थर्ड मैट्रिक्स. अब 2 इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू -1 -2 अगेन -2 एंड 0. ओके क्या करना है, अब हमें इन तीनों की एडिशन करनी है. ओके सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 0, 1 प्लस 4 प्लस 0 डायरेक्ट लिख देंगे हम. ठीक है, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 4, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, देन 1 प्लस -8, 1 प्लस -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. दैट इज 1 1 -8 -7 +6, -7 + 6 -1. ओके सेकंड रो 3 + 6 9, 9 ± -2 9 - 2 7. ओके देन 1 + 10 11, 11 ± -2 11 -2 9. लास्ट वन 2 ± 4, that is 2 - 4 - 2 - 2 + 0 - 2. ओके अब ये जो मैट्रिक्स मिला है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, a प्लस 2b प्लस 2c. ओके अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. ओके सो देयरफॉर a प्लस 2b प्लस 2c ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो दो रो है वो दो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके सो वी कैन राइट हेयर 5 6 - 1 एंड 7 9 - 2. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ओके नाउ ए बी सी मैट्रिक्स हमें गिवन है. अब कौन से, राइट हैंड साइड में क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस 2 बी ट्रांसपोज प्लस 3 सी ट्रांसपोज. ओके सो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. अब ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, ये जो रो है दो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज 1 0 1 3 1 2. ओके प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये दो रो दो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज 2 1 - 4 एंड 3 5 - 2 प्लस 3 इंटू सी ट्रांसपोज. ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3c ट्रांसपोज है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2c ट्रांसपोज. ओके यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, तो अब ये 3 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए. ठीक है 2c ट्रांसपोज. अब c का ट्रांसपोज करना है हमें यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज 0 2 3 -1 -1 0. ओके सो दैट इज इक्वल टू, इसे एज इट इज लिखेंगे हम 1 0 1 3 1 2 प्लस अब इस टू को इस मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 × -4 - 8 - 4। ओके, अब यहाँ इस 2 को इस मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0, 2 × -1 - 2, 2 2 ज़ा 4, 2 × -1 - 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। ओके, अब हमें इन तीनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0 + 4 5, 5 + 0 5, 0 + 2 2, 2 + 4 6, एंड 0 ± -8, सॉरी 1 ± 8। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 − 8 कितना मिलेगा हमें, -7, सॉरी -7 + 6, -7 + 6 दैट इज -1। ओके, ठीक है। देन 3 + 6 9, 9 − 2 7, देन 1 + 10 11, 11 − 2 9, देन 2 − 4, 2 − 4 - 2, -2 + 0 -2। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो यू कैन सी हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 का जो मैट्रिक्स है और इक्वेशन 2 का जो मैट्रिक्स है टोटली इक्वल है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, A + 2b + 2c ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज + 2c ट्रांसपोज। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ A and B आर द टू मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। ओके, देन प्रूफ दैट A + B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, पहले हम A + B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो A + B ट्रांसपोज इज, A मैट्रिक्स हमें गिवन है -1 2 1 -3 2 -3 प्लस B ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पे B मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। क्या है, अब यहाँ पे 3 रो है तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम में। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज -3 2, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 3। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये होगा B ट्रांसपोज। अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। सो दैट इज इक्वल टू -1 + 2, -1 + 2 दैट इज 2 − 1 1, देन 2 + -3, + - हो जाएगा 2 − 3 - 1, देन 1 + -1, 1 − 1 0। ओके, देन सेकंड रो -3 + 1, -3 + 1 -2, देन 2 + 2 4, -3 + 3 अगेन 0। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है ये हो गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स A + B ट्रांसपोज का। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज करना है। ओके, देयरफॉर A + B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 2 रो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे हम 1 − 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 4 0। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देन राइट हैंड साइड, नाउ क्या करेंगे, अब हम A ट्रांसपोज एंड B की एडिशन करेंगे। ओके, A ट्रांसपोज + B दैट इज इक्वल टू, अब A मैट्रिक्स कौन सा है, A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 2 1 -3 2 -3। ओके, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 रो है और 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे दैट इज -1 2 1 एंड -3 2 -3। ओके, प्लस B मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे 2 − 3 - 1 1 2 3। ओके, हमें इनका एडिशन करना है। सो दैट इज इक्वल टू -1 + 2 1 -3 + 1 -2 2 - 3 -1 2 + 2 4 1 - 1 0 -3 + 3 दैट इज अगेन 0। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, ये जो मैट्रिक्स है हमारा A ट्रांसपोज प्लस B का मैट्रिक्स है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों देख सकते हो आप यहाँ पे, दोनों में मैट्रिक्स टोटली इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A + B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें से पहला हमें गिवन है A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, तो क्या करेंगे हम पहले इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे, या तो हम पहले डायरेक्ट भी इनकी एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन क्या है A + A ट्रांसपोज। सो दैट इज इक्वल टू A मैट्रिक्स इज 1 2 4 3 2 1 -2 - 3 2 ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज क्या इसी का ट्रांसपोज करना है, मतलब कि ये जो रो है उन्हें हम कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो है 1 2 4, तो हम उसे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 1 2 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 2 1 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में दैट इज -2 - 3 2। ओके, अब हमें इन दोनों की एडिशन करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 3 5 4 - 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस है तो 4 - 2 लेंगे हम, दैट इज 2। सेकंड रो 3 + 2 5 2 + 2 4 1 + -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज 1 - 3 - 2। थर्ड रो -2 + 4 -2 + 4 दैट इज 2 -3 + 1 -2 2 + 2 4। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि इस 5 और ये 5 दोनों इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, ये -2 इस -2 के इक्वल है, यानी कि हम इस मैट्रिक्स के लिए कह सकते हैं इन अबो मैट्रिक्स फॉर ऑल एलिमेंट A i j, यानी कि i जो उसके रो का नंबर है और j यानी कि उसके कॉलम का नंबर है, इज इक्वल टू A j i, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो वो एलिमेंट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी कंडीशन आती है, दोनों इक्वल होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है, तो अगर ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे वो बिल्कुल इसी की तरह से रहेगा, तो भी हम उसे क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अब ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे साइड में, ये मैं रफ में बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो रो है वो कॉलम में हो जाएंगी, दैट इज 2 5 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 4 -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 2 - 2 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स देख लो टोटली इक्वल, ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रांसपोज करे या नहीं करे एक ही जैसा है, ठीक है ना, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और जिसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह से, ठीक है, फॉर ऑल A i j इज इक्वल टू J i। सो हेंस क्या लिखना है हमें, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया है। देन सेकंड, अब हमें बताना है कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। ओके, माइनस इसी का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 2 1 -2 - 3 2। ओके, सो इनका सब्ट्रैक्शन करो, दैट इज 1 - 1 0 2 - 3 - 1 4 - प्लस हो जाएगा 4 + 2 6 3 - 2 1 2 - 2 0 1 - प्लस हो जाएगा 1 + 3 4 देन -2 -4 -6 -3 -1 तो हो जाएगा -4 2 -2 0। ओके, तो हमें बताना था कि जो A ट्रांसपोज है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट, सो ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ले लो आप, Aij इक्वल होना चाहिए किसके, -Aji के। यानी कि अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए तो बस उनकी एलिमेंट की साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, वो तीनों में जीरो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये जो 1 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज ये पोजीशन आ जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा है, -1 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 है। तो ये जो कंडीशन है ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे इन above matrix for all Aij is equal to -Ji, ठीक है। Hence मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये हमें प्रूफ करना था। देन सेकंड A मैट्रिक्स पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दैट इज A ट्रांसपोज इज रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, दैट इज 3 -4 3 -7 2 4 -5 3। ओके, Now A plus A transpose, that is equal to 5 3 4 2 minus 7 minus 5 minus 4 2 minus 3 plus A transpose, that is 5 3 4 2 minus 7 minus 5 minus 4 2 minus 3 दैट इज इक्वल टू, सिंपली हमें इनका एडिशन करना है। सो 5 + 5 10 2 + 3 5 -4 + 4 दैट इज 0 3 + 2 5 -7 ± -7 ठीक है -7 -14 2 ± -5 2 - 5 -3 एंड 4 - 4 0 -5 + 2 दैट इज -3 -3 -6। ओके, सो A ट्रांसपोज विच इज अवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड हेयर यू कैन सी, हम यहाँ पे लिख देंगे इन अबव मैट्रिक्स फॉर ऑल एलिमेंट Aij is equal to Aji, मतलब कि अगर हम इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, उनकी रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से चेंज कर देंगे तो भी वो एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 इस 5 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, -3 -3 के इक्वल है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देन से अब नॉन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करना है हमें, A ट्रांसपोज, ठीक है, उसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माइनस ले लेंगे, यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अब 5 - 5 0 2 - 3 - 1 -4 - 4 -8 3 - 2 1 -7 -7 अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 7 0 टू माइनस माइनस फाइव, अब ये माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, दैट इज टू प्लस फाइव सेवन। एंड थर्ड कॉलम माइनस फोर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज फोर प्लस फोर एट, माइनस फाइव माइनस टू, माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन, एंड माइनस थ्री ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो। ओके, सो इन अबव मैट्रिक्स फॉर ऑल एलिमेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर हम इनकी रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे तो बस इनकी साइन चेंज होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वन है, सॉरी यहाँ पे वन है तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे कौन सा है माइनस वन है, उसी तरह यहाँ पे माइनस एट है तो यहाँ पे प्लस एट है, यहाँ पे माइनस सेवन है तो इसके अपोजिट साइड में क्या है प्लस सेवन है। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन अबव मैट्रिक्स फॉर ऑल एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, हिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये हमें प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.7 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।